Question number 5. This question is of differential equation. In a certain chemical process, a substance A reacts with and reduces a substance B. ये दो substances हैं, A reacts with and reduces to substance B. The masses of A and B at time t after the start of the process are x and y respectively. Substance A का mass जो है वो x है और substance B का mass जो है वो y है. ये आपने याद रखना है. A reacts with and reduces to substance B. A substance reduce होकर substance B बनती है और यहाँ पे A जो सब्सटेंस है उसका मास x है और b सब्सटेंस जो है उसका मास जो है वो y है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस. इट इज गिवन दैट डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस 0.2 एक्स वाई एंड x इज इक्वल टू 10 ओवर 1 प्लस टी होल स्क्वायर. एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस y इज इक्वल टू 100. एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस मीन जब टाइम जीरो होगा. फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड t. हमने y और t में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एंड सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी हुई है. पहले हमने ये देखें, ये है यहाँ पे x और y आ रहे हैं. हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है y इन y एंड t. तो हम यहाँ पे x भी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t. तो सो यहाँ पे x आ रहा है, वहां पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10 ओवर 1 प्लस t के. तो वो इक्वेशन बन जाएगी y और t में. नो गिवन इज डी वाई ओवर डी टी इट इज गिवन माइनस 0.2 एक्स वाई. नो एक्स इज गिवन, एक्स क्या है 10 ओवर 1 प्लस टी होल स्केयर. ये गिवन है ये क्वेश्चन में. अब हम एक्स की ये वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ टी आ रही है ये यहां पे पुट कर देंगे क्योंकि हमें फिर हमारा रिलेशन वाई और टी में आ जाएगा. सो डी वाई ओवर डी टी बिकम्स माइनस 0.2 एक्स जो है वो 10 ओवर 1 प्लस टी होल स्केयर है इंटू वाई. यहां देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 जो है माइनस 0.2 से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस 2 रह जाएगा, माइनस 2 वाई आ जाएगा न्यूमिरेटर में, माइनस 2 वाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस टी होल स्केयर. अब देखें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है वाई और टी में. लेफ्ट साइड पे देखें ये वाई आ रहा है और टी आ रहा है. अब हमने इसको करना है सॉल्व. पहले हमने फॉर्म बनाई है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन वाई एंड टी. अब सॉल्व करना है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को. सॉल्व मीन वी हैव टू रिमूव दिस डिफरेंशियल. ये डी वाई ओवर डी एक्स एक्चुअली डिफरेंशियल है. सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स को रिमूव कर दें. अब आपने करना क्या है, आपने सेपरेट करना है वेरिएबल्स को. डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स को अटैच कर देंगे, डी टी के साथ टी वाली टर्म्स को अटैच कर देंगे. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस वी कैन राइट इट एज डी वाई के नीचे वाई को ले आएंगे, डी वाई ओवर वाई राइट साइड पे. ये देखें ये डी टी जो दूसरी साइड पे इधर आ जाएगा, राइट पे आपके पास माइनस 2 है ओवर 1 प्लस टी होल स्क्वायर. यहां पे डी टी आ जाएगा. अब इसको हम लिख लेते हैं 1 ओवर वाई, इसको लिख लेंगे माइनस 2 इंटू 1 प्लस टी
पावर इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, माइनस टू हो जाएगी पावर इसकी डी टी। अब क्या करना है, अब दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल। देखिए पहले हमने सेपरेट कर दिया, लेफ्ट साइड पे आपको वाई और डी वाई नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे टी और डी टी नजर आ रहे हैं दोनों तरफ। दूसरा स्टेप क्या होता है, आपने दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देना है। अब ये देखिए मैं इंटीग्रेट वेरिएबल को किया, माइनस टू जस्ट एक मल्टीपल है, उसको हमने ऐसा सच लिख लिया है बाहर, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लें क्योंकि माइनस टू एक मल्टीपल है, जस्ट आपने इंटीग्रेशन वेरिएबल को करना है। वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग वाई माइनस टू रिमेन्स ऐसा राइट साइड पे जो है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में वन ऐड कर देंगे और वही डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो वन प्लस टी माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन प्लस सी। सी आपने लास्ट में लिखा है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की साइड पे होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो इस डिफरेंशियल में नीचे वेरिएबल आ रहा है, ऊपर वाला डिपेंडेंट होता है। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट साइड पे लॉग वाई, लॉग वाई राइट पे माइनस टू इंटू वन प्लस टी पावर नेगेटिव वन ओवर नेगेटिव वन प्लस सी। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सो लॉग वाई इज इक्वल टू टू इंटू वन प्लस टी पावर नेगेटिव वन प्लस सी। फर्दर इसको हम लिख लेते हैं लॉग वाई इज इक्वल टू टू ओवर वन प्लस टी प्लस सी। अब हमने इस सी की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको रेफरेंस के तौर पे कह रहे हैं कि ये दिस इज इक्वेशन ए। अब हमने क्या करना है, अब सी जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय द गिवन कंडीशंस, बाय इनिशियल कंडीशंस। अब यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में टी वेरिएबल कॉन्स्टेंट, टी भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। हमने टी देखना क्या है और वाई देखना है, एट दैट टाइम क्या है, वाई जो है वो मास ऑफ बी है, वाई इज 100 इज गिवन और टाइम एट द स्टार्ट, ये देखें यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एट द टाइम टी आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस तो टी जो है वो हमारे पास होगा जीरो। इनिशियल कंडीशन है टी जीरो होगा, टाइम टी शोज द टाइम, टाइम जीरो होगा, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले टाइम जीरो, और वाई जो है वो आपके पास है 100 इट इज गिवन। ये देखें एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस वाई इज इक्वल टू 100। अब हमने इस इक्वेशन में टी जीरो और वाई 100 पुट कर देना है, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी। दिस बिकम लॉग 100 क्योंकि वाई की वैल्यू 100 है और टी की वैल्यू जो है वो जीरो है, तो ये आ जाएगा टू ओवर वन प्लस सी, क्योंकि टी जीरो है यहाँ पे, और सी की वैल्यू जहाँ से आ जाएगी लॉग 100 माइनस टू। अब ये सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जिसका नाम हमने ए रखा था, अभी सी की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब लॉग 100 को आपने डेसिमल में नहीं लिखना, जैसे वैल्यू आई है सी की वहीं ऐसे ही इसी फॉर्म में यहाँ पुट कर दें। दिस बिकम फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिख रहे हैं कि इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं हम, लॉग वाई इज इक्वल टू टू ओवर वन प्लस टी, सी की वैल्यू है लॉग 100 माइनस टू। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सॉल्व होगी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब कुछ आपने डी वाई ओवर डी जो डिफरेंशियल है इसको हमने रिमूव करना है, डी वाई ओवर डी टी को हमने रिमूव करना है, और यहाँ देखें आपको डी वाई ओवर डी टी नहीं नजर आ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई है। आप इसी फॉर्म में इसको लिख दें, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच्ड बाय द मैस ऑफ बी एज टी बिकम्स लार्ज। टी टाइम है, टाइम बिकम्स लार्ज मीन कोई उसकी लिमिट नहीं दीजिए, अनलिमिटेड है, इसका मतलब इन्फिनिटी होगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी, उसको कैसे लिखेंगे, टी बिकम्स वेरी लार्ज का मतलब ये है, टी बिकम्स लार्ज का मतलब है कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि उसकी लिमिट ही कोई नहीं है, तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि वन ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, और वन ओवर जीरो जो होता है वो हमेशा अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होता है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच्ड बाय द मैस ऑफ बी। ऊपर देखें मैस ऑफ बी को उसने वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए रिएक्ट विद एंड रिड्यूस सब्सटेंस बी, मैस ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी आफ्टर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस आर एक्स एंड वाई, मैस ऑफ ए इज एक्स, मैस ऑफ बी इज वाई, तो हमने फाइंड करना है वाई का मैस, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच बाय द मैस ऑफ बी एज टी बिकम्स वेरी लार्ज। तो हमने करना क्या है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ले लेते हैं, ये अभी जो हमने फाइंड की है, डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग वाई इज इक्वल टू टू ओवर वन प्लस टी माइनस एंड प्लस लॉग 100 माइनस टू। अब यहाँ पे टी टेंस टू इन्फिनिटी है, टी टेंस टू इक्वल नहीं, टी टेंस टू इन्फिनिटी, और हमने वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, कि वाई की वैल्यू है मैथ ऑफ बी जो है दैट इज वाई, तो हमने वाई देखना कि ये वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। तो पुटिंग हेयर टी को जब हमने इन्फिनिटी पुट करना है, ये देखें टू टी इन्फिनिटी है, तो टू ओवर वन पर इन्फिनिटी, हमने इसको इन्फिनिटी पुट करना है, तो ये वन प्लस इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी होगा, तो सो टू ओवर इन्फिनिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो सो ये टर्म ही जीरो हो जाएगी, टू ओवर वन प्लस टी, क्योंकि हमने यहाँ टी को इन्फिनिटी पुट किया है, तो टू ओवर इन्फिनिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो सो हमारे पास वाई जो है लॉग वाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी जीरो प्लस, या पहले इस तरह लिख लेते हैं, टू ओवर इन्फिनिटी प्लस लॉग 100 माइनस टू, और हमने आंसर भी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में आपने देना है, ये हमारे पास ये टर्म जीरो हो जाएगी, टू ओवर अनडिफाइंड, टू ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो सो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस टू। अब हमने वाई देखना क्या है, तो ये इसको हम बना इस तरह लिख लेते हैं, लॉग वाली दोनों टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं, और दिस बिकम लॉग वाई माइनस लॉग 100 इज इक्वल टू नेगेटिव टू, यहाँ लॉग प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाएंगे, लॉग वाई ओवर 100 इज इक्वल टू नेगेटिव टू। अब हमने वाई देखना है कि वाई क्या है, तो एंटी लॉग प्रोसेस, तो यहाँ पे बेस क्या होती है, एलएन में बेस होती है ई, तो ई पावर नेगेटिव टू इज इक्वल टू वाई ओवर 100 आ जाएगा, तो इसको वाई यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू
वायो सॉरी वायो पर 100 इज इक्वल टू वाई ओवर 100 इज इक्वल टू ई पावर नेगेटिव 2। तो यहां से वाई आ जाएगा 100 इंटू ई पावर नेगेटिव 2, उसको हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच्ड बाय द मैस ऑफ बी। इसको हम लिखेंगे अप्रोचेस फॉर्म में कि वाई अप्रोचेस टू मैस ऑफ बी अप्रोचेस टू 100 ओवर ई स्क्वायर। मैस ऑफ बी अप्रोचेस टू 100 ओवर ई स्क्वायर। अब हमने नेक्स्ट एक और भी फाइंड करना है। अभी हमने स्टेट व्हाट हैपेंस टू द मैस ऑफ ए एज टी बिकम्स लार्ज। अब हमने देखना है कि मैस ऑफ ए क्या होगा व्हेन टी बिकम्स लार्ज। इसके लिए भी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमने देखना है कि वो क्या होगा। वो यहाँ पे हम इसको यहां पे लिख लेते हैं। एक्स का मैस ये देखिए ऊपर रिलेशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 10 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। यहां पे एक्स का ये मैस है, ये का सब्सटेंस ए का मैस एक्स है। यहां भी टी जो है अनडिफाइंड पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स है 10 ओवर 1 प्लस टी होल स्क्वायर। तो यहां भी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो जब हम यहां पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ गया तो हमारे पास आएगा एक्स इक्वल टू 10 ओवर इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो 0 होता है, तो सो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो टेंड्स टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सो मैस ऑफ ए क्या कहेंगे हम, मैस ऑफ सब्सटेंस ए टेंड्स टू 0। तो सो मैस ऑफ सब्सटेंस ए टेंड्स टू 0 और मैस ऑफ बी जो है अप्रोचेस टू 100 ओवर ई स्क्वेयर।